शिवम जी जवाब दीजिए, मोदी जी को दांव पर लगाया, जनता का पूरा भरोसा नहीं है आप पर, ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। देखो 272 भी अकेले नहीं भारतीय, ठीक है पंकज जी, हो गई आपकी बात। हाँ शिवम जी, ब्रांड मोदी यहाँ पे ध्वस्त हो गया, रुक जाइए। थैंक यू। पहले तो सबसे मैं एक और एक चीज कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी एक डिस्कशन आपके स्टूडियो में चल रहा था, कहा गया कि वो वन मैन शो जो था वो बात नहीं रही, वो चीजें नहीं रही, नरेंद्र मोदी का ऑरा चला गया। मुझे एक चीज बताइए, पिछले 25 साल में कौन नेता इस देश में नरेंद्र मोदी से जाकर ज्यादा सीटें लेकर आया है? अटल बिहारी जी के 5 साल भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें थी? उसके बाद यूपीए 1 यूपीए 2 की कांग्रेस की कितनी सीटें थी? भारतीय जनता पार्टी 2014 2019 किसकी ज्यादा सीटें थी? आज भी भारतीय जनता पार्टी 242 सीटें लेकर बैठी है और 40% से ज्यादा वोट लेकर बैठी है। पिछले 25 साल में हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता ही पैदा नहीं हुआ जो इतनी वोट ले आया हो। लड्डू बांटिए, लड्डू बांटेंगे भाई हम, बीच में नगाड़ा बजाइए, झूठ नहीं होता, लड्डू बांटेंगे, लड्डू तो बांटेंगे, आप कौन बांटेंगे? आप खुश होइए, लड्डू खाइए, लड्डू खाइए, मेरी ओर से भी खा लीजिए, पर अगले देश की जनता ने संविधान पर जो एक तरह से काल बनकर टूटे हुए थे नरेंद्र मोदी, आज भी उनका रथ रोका है। अगले 5 साल की तैयारी करिए, जो संविधान को बर्बाद करने के लिए, बारी बारी से बोलिए, 5 साल की तैयारी करिए, अखिलेश जी आप इनको रोकिए, बारी बारी से बोलिए, पंकज जी कोई लाभ नहीं है इनका, पंकज जी रोका है, पंकज जी प्लीज आप उनको बोलिए, पंकज जी सुन तो लीजिए, उनको बोलिए आप मुझे बोलिए, मैं उनके सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, आपकी अपनी बारी में बात रखिएगा ना, कोई किसी को सुन ही नहीं पाएगा, ऐसे शिवम जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, पंकज जी सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, मुझे तो सुन लीजिए कम से कम, पंकज जी आप आपकी बारी होगी तो अपनी बात रखिएगा, शिवम त्यागी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, शिवम जी बोलिए, अच्छा शिवम जी की आवाज आने जाएगी, शिवम जी बोलिए, मुझे सुनिए, पिछले 25 साल में नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा, प्लीज आप इनको रोकेंगे कि नहीं एक बार, प्लीज आप रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं है, उनसे बेहतर चिल्ला सकता हूँ, बोलिए बोलिए शिवम आप बोलिए, थैंक यू। पिछले 25 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा वोट उनके नाम पर किसी से और नहीं मिले हैं, और कांग्रेस वालों को मैं बताना चाहता हूं कि लगातार 15वें साल आप 100 सीटों से नीचे आने वाले हैं, पिछले 10 साल में आपसे 100 सीटें पार नहीं हुई, आज भी 100 सीटें पार नहीं हुई है, इतना उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी हार ही रहे हो, अभी भी विपक्ष में ही बैठे हो, कौन सा नैरेटिव बनाने की बात कर रहे हो भाई, और सुनिए ये हाइपोथेसिस से बाहर निकलिए, वो कहां से यहां से वहां आ जाएगा, वहां से यहां आ जाएगा, आज भी बोर्ड पर 297 एनडीए की लगी हुई है, इंडिया अलायंस की नहीं लगी हुई, सारे इकट्ठे होकर नहीं आ रहा पाए नरेंद्र मोदी को, सो कृपया करके ये ज्ञान और भाषण कहीं और दीजिएगा, और सुनिए इन्होंने कहा कि अलायंस की राजनीति चलेगी, बिल्कुल चल रही है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है, एनडीए आपकी बार भी 300 लेकर आ रहा है, और यही रियलिटी है, आने वाले समय में क्या होना है उस पर अपना राय बनाते रहिए, और एक विषय बहुत साफ है, जिस तरीके का चुनाव हुआ कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो नंबर्स एक्सपेक्टेड थे वो नहीं आए, लेकिन इतना तय है कि आज भी इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति के नाम पर वोट पड़े हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं इसी का जवाब लेता हूं, पंकज जी पर नहीं पहुंचे पिछले 15 साल, पंकज जी आप इस हार में भी अपनी जीत कैसे पढ़ रहे हैं, अपनी जीत सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी ही है ना, देश को आप सारे इस देश को आप सांप्रदायिक विभाजन के लिए मजबूर कर रहे थे, आपने विषय भाषण हार गए, आपने इस देश सारे मिलकर हार गए, बांटा क्या राहुल गांधी और क्या तमाम लोग दार में हार गए भाई, इस देश के लोगों के देशभक्ति को बड़े बड़े अपने आप को सुपरस्टार समझने वाले हार गए, पूर्व प्रधानमंत्री हार गए सारे।